नमस्कार, मैं संजय पाटिल बायोप संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बेसिकली लोगों के सहभाग से संवर्धन, संरक्षण और पुनर्वापर या इंडिजिनियस क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज का इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। सीड जो है वो आत्मा है खेती का, लेकिन आज वो अपने हाथ में नहीं रहा है। वो यानी ये इंडस्ट्री डोमिनेटेड पूरा सिस्टम बन गया है और जो भी कंजर्वेशन हो रहा है आज देश के कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट, इट इज़ ओनली फॉर ब्रीडिंग पर्पज। और तीसरा जो है वो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी से सेव कर रहे हैं, जो कि आज की जो गरज है वो इन सीटू कंजर्वेशन विथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और हम बात करते हैं अन्न सुरक्षा की, लेकिन बीज ही नहीं तो अन्न कहाँ से आएगा, और अन्न नहीं आएगा तो अन्न सुरक्षा कहाँ से पैदा होगी या होगी। तो अभी जो नीड है, अपनी गरज जो है, वो लोगों के सहभाग से ये पूरा कंजर्वेशन का काम। नेक्स्ट, दूसरा जो है क्लाइमेट चेंज, वातावरण बदलाव के लिए अभी बहुत सारे वराइटीज आ रहे हैं, जीएम के नाम से बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं। जीएम अभी कोई नहीं बोल रहा है, वो बोलते हैं कि वातावरण बदलाव के लिए हम नया संशोधन कर रहे हैं, लेकिन अपने पास हजारों सालों की परंपरा है और क्लाइमेट में तो आज बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन और वैसे वराइटीज थे। जो रीजंस है ये क्यों जाति नष्ट हो गए, तो इसके वजह जो एग्रेसिव प्रमोशन ये सब नई वैरायटी का, क्योंकि अभी राइस में यदि देखे 5-6 ही वैरायटी है जिससे पूरा देश व्याप्त हो गया है और डाइवर्सिटी खत्म हुई। दूसरी बात है मिक्सर हो गया है बीजों में, तो इसलिए वो वैरायटी नष्ट हुई। बहुत सारे अपने इंडिजिनियस रोगों और कीड अटैक से ही बहुत सारी जाति कम हो गई है और लोग यूज नहीं कर रहे। दूसरा, हाइब्रिड जो है वो डॉर्फ है, कम ऊंची वाला है, और अपना लोकल जो मैक्सिमम जो जाती है वो टॉल है, तो वो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए वो छूट गई है। दूसरी, लोगों की एक हैबिट है कि वो 2-3 साल एक जात वैरायटी एक यूज करते हैं और वो बाद में दे देते हैं, लेकिन पहले ऐसा मैकेनिज्म था जो एक्सचेंज था, 2-3 साल ये लगाएगा, दूसरा फार्मर के पास जाएगा और बाद में फिर से वो एक्सचेंज होते वो वैरायटी भी बचती थी और डाइवर्सिटी भी जपी जाती थी। और एक लास्ट की जो रीज़न है वो लॉन्ग ड्यूरेशन, इसमें से ज़्यादातर जाति जो है वो ज़्यादा दिन वाले वैरायटी है, तो इसीलिए ये पूरा डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होता गया। नेक्स्ट, लेकिन आज भी क्यों कर रहे हैं, आज भी लोगों के पास जाति है, तो उसके पीछे विजडम क्या है। जितने भी जाति है उसमें से हाइब्रिड जो है अभी आए हुए जो हाइल्डिंग वैरायटी जिसको हम बोलते हैं वो सुटेबल नहीं है फार्मिंग कंडीशंस के लिए। यदि हम राइस की बात करें, डांगीन नाम का एक वैरायटी है तो ड्राई अपलैंड, जहाँ कोई हाइब्रिड वैरायटी आता ही नहीं, ऐसे ड्राई अपलैंड थोड़ा सा फ्लोपी लैंड पे भी वो आ जाती है जहाँ पे कोई दूसरा वैरायटी टिकता नहीं है। कसवल नाम का वैरायटी है, 1-2 मीटर पानी भी खेत में भर गया तो भी वो जिंदा रहता है और खाने के लिए फूड देता है। सेकंड जो है लेस इनपुट, इसको ये लोकल वैरायटीज को कम इनपुट लगते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जिसके लिए लोगों ने आज भी वो वैरायटीज 8 फीट 10 फीट 12 फीट वाले रखे हैं। न्यूट्रिशनल, लोगों के यदि हम बात करें ट्राइबल लोगों के साथ तो वो बोलेंगे कि अपना आपका जो सरकारी बीज है उसे हमारा पेट नहीं भरता है, हमें खाने के लिए अपना लोकल बीज, सरकारी बीज से जो खाना बनता है इतना लगता है और हमारा लोकल जो है वो इतना खाया तो हमारा पेट भरता है। इसका मतलब न्यूट्रिशनल और क्वालिटी एस्पेक्ट। अन्न सुरक्षा की यदि बात हम कर रहे हैं तो अर्ली वैरायटीज की भी जरूरत है और ऐसे भी वैरायटी आज भी है। 60-65 डेज में हार्वेस्ट होने वाले धान के जाति आज भी है जिसके लिए टेक्नोलॉजी से बहुत सारी जेनेटिक मॉडिफिकेशन से वो बना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे पास ऐसे इंडिजिनियस लोकल जाति प्रजाति है। मेडिसिनल वैल्यूज, अन्न एक औषध ऐसा हमने आयुर्वेदा में देखा है और 100 साल पहले ये सब वापर उसका होता था, लेकिन आज भी वो जाती है, इसीलिए लोगों ने वो वैरायटी रखे है। नेक्स्ट, हमने जो काम शुरू किया है ये थोड़ा बैकग्राउंड था ये पूरे वर्क का, क्यों हमें कंजर्व करना है, क्यों नष्ट हो गए। हमने जो काम बायो डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पूना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा काम थाने और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में शुरू है, इसके ऑब्जेक्टिव ये हेतु जो है लोगों के सहभाग से इसका संवर्धन संरक्षण करना, इसके ऊपर
थोड़ा साइंटिफिक स्टडीज करना और लोगों के माध्यम से कम्युनिटी मैनेज्ड सिस्टम खड़े करना और ये रिसोर्स का एक्सचेंज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है काम का, जो हमने 2006 में ये काम शुरुआत किया है। और आज हम धान, नाचनी, वरई, लोकल वेजिटेबल्स, जंगल के कुछ प्रजाति जो अन्न जैसे खाए जा सकते हैं, वो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में हमारा जवार एक आदिवासी ब्लॉक है वहाँ पे शुरू है। दूसरा नंदुरबार में जवार और मक्के की जाति के ऊपर काम है। जवार और मक्का ये अपना यहाँ का ओरिजिन नहीं है, फिर भी सालों पहले वो हमारे यहाँ पे आ गया और यहाँ पे वो आज लैंडरेस बन के लोग सालों से उगा रहे हैं। नेक्स्ट, तो यह पूरा कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन का सिस्टम कैसे है, ये कैसे शुरुआत किया और धीरे धीरे हम सीखते गए, कुछ प्रॉब्लम भी आए, तो ये मॉडल जो है इसमें हम गांव में लोगों के पास गए, एग्जीबिशन रखे, उसके बाद लोगों का जो ज्ञान है इसके वो वैरायटी के बारे में, वो ओरिजिन्स के बारे में, वो इकट्ठा किया। पहले तो वो बोलने के लिए हड़बड़ा जाते थे, बोलते नहीं थे, उनके पास जब हमने हाइब्रिड वैरायटी भी रखे, आपका पुराना सब छोड़ दो, ये सब नया ले लो, ये जब हम बोलने लगे तो 80-90 साल ईयर वाले जो ओल्ड पर्सन थे वो तो शाउट करने लगे, वो बोले कि आपका कुछ काम का नहीं है, हमारे पास जो था वो बहुत अच्छा था। तो क्या था आपके पास, उसमें क्या गुण थे, इसका डेटा बेस हमने बनाया, वो आज वो कहाँ पे है, ऐसे ट्रैक करते करते हम वो फार्मर तक पहुँच गए जहाँ पे आज वो वैरायटी वो लैंडरेस जिंदा है। उसके बाद उसके ऊपर सैंपल कलेक्शन किया, सेंट्रल सीड बैंक बनाया और उसके बाद उसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज किए, मॉर्फोलॉजी, एग्रोनॉमिकल डेटाबेस उसका बनाया और बाद में पार्टिसिपेटरी लोगों के सहभाग से बीज सिलेक्शन का मेथोडोलॉजी बनाया, जो पहले था बीज के कुछ सालों में वो खत्म हो गया था, लेकिन हमने वो फिर से वह सिस्टम खड़ी की है। और गांव कम्युनिटी की बीज बैंक बनाए हैं और ये सीड प्रोडक्शन और सीड एक्सचेंज का काम शुरू हुआ है। नेक्स्ट, अब यदि हम फोटोग्राफ देखें, एग्जीबिशन, उसके बाद जो पर्सन है उसके पास सीड है वहाँ पे जाना, सैंपल कलेक्ट करना, उसके बाद कम्युनिटी एक सेंट्रल सीड बैंक हमने बनाया, उसके बाद उसके प्रयोग लोगों को साथ में लेके, उसके बाद पार्टिसिपेटरी सिलेक्शन का टेक्निक्स, सीड प्रोडक्शन, कम्युनिटी सीड बैंक और लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा काम का अप्रोच हमारा बन गया है। नेक्स्ट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है तो पार्टिसिपेटरी सिलेक्शन, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देता है, ब्रीडर सीड सिलेक्ट करता है वो अपना लॉजिक से करता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बहुत कम रहता है, तो इसलिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम होती है, जो भी है 2-3 साल वो वैरायटी टिकती है उसके बाद निकल जाती है, और एरिया स्पेसिफिक, लैंड स्पेसिफिक, यूज एंड यूज स्पेसिफिक, ऐसे वैरायटी वो लोगों का ज्ञान और साइंटिफिक अप्रोच है दोनों साथ में लेके यदि हम चलेंगे तो ये काम डेफिनेटली बढ़ता है, हमारे ध्यान में आया। तो हमने ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हमें मिले हैं, जो ग्रेन और फॉडर, ग्रेन का उत्पादन, धान्य का उत्पादन तो जरूरी है, उसके साथ फार्मर के लिए फॉडर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिलरिंग एबिलिटी, रोग और कीड़ की रेजिस्टेंसी, लॉजिंग, उसके बाद ग्रेन कितने हैं, लैंड को सुटेबल है या नहीं है, क्रॉप का पीरियड कितना है, वो कितने दिन में हार्वेस्ट होता है, उसके शैटरिंग, वो ग्रेन आता है, क्रॉप आता है, खड़ा होता है लेकिन बारिश गिरता है तो निकल जाता है दाना निकल जाता है, तो उसके लिए ऐसे सब क्राइटेरियाज रख के वो वैरायटी का सिलेक्शन करके उसके बाद सीड प्रोडक्शन। यदि हम फोटो में देखें ऊपर स्वर्गम का सिलेक्शन है, इन बीच में प्रोसो मिलेट वरई जिसको भगर बोलते हैं, उसके बाद मेज हाईली क्रॉस पोलिनेटेड है, लेकिन हम अभी लोगों के साथ वो सिलेक्शन का टेक्निक ब्रीडिंग, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, वो काम भी हमारे ट्राइबल शेतकरी सीख गए हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कम्युनिटी सीड बैंक, ये कम्युनिटी मैनेज्ड सिस्टम अभी धीरे धीरे बन रहा है, सीड सेवर कमिटीज हमने बनाए हैं, उसको अथॉरिटी है प्यूरिटी मेंटेन करने के लिए, सीड प्रोड्यूसर फार्मर्स और ऐसा एक टीम और कैडर ऑफ रिसोर्स पर्सन बन गया है गाँव में ही, कि जो वो सीड को सिलेक्ट करे और मल्टीप्लाई करे। सीड एक्सचेंज विद इन द ग्रुप एंड विलेजेस में भी चल रहा है, यदि हम देखेंगे वो गांव का सीड बैंक है पहला फोटो, दूसरा उसके कैरेक्टराइजेशन के फोटोग्राफ, थर्ड जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। नेक्स्ट, इसमें
यील्ड इम्प्रूवमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिसके लिए हम अलग सारे तरीके यूज करते हैं। जैसे अविल बोरकर जी ने बताया सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन फॉर राइस के लिए हम यूज करते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिंगर मिलेट और क्रोसो मिलेट में रीज और फरोज में लास्ट का जो फोटोग्राफ है जहाँ पे रीज और फरो दिख रही है उससे 1.5 टाइम्स यील्ड इम्प्रूव हुआ है मिलेट के लोकल जेनेटिक रिसोर्स का। पैलेट मेथड उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और इस ये सब करने के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, एक जनरल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम सीड टू हार्वेस्ट फॉर पैडी एंड मिलेट बन गया है। नेक्स्ट, ये सब नॉलेज लोगों के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसके लिए फील्ड डेज, हार्वेस्टिंग सोइंग के टाइम, फील्ड ट्रेनिंग्स, सीड एग्जीबिशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग यूथ का, महिलाओं का और फार्मर का, ये सब चीज़ों के लिए, और लोगों को रिकग्नाइज करना, उनको मोटिवेट करना उसके लिए प्रोग्राम, क्योंकि आगे जाके ये कोई साइंटिफिक कम्युनिटी या स्पॉन्सर नहीं कर सकती, कितना भी रिसोर्स अपने हाथ में हो, ये कम्युनिटी को साथ में लेके ही करना है। तो इसीलिए उनको रिकग्नाइज करना, मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, वो काम हम कर रहे हैं। ये कोई एक संस्था का, एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, इंडिविजुअल फार्मर्स, ये सबको साथ में लेके यदि हम ये काम करेंगे तो ही ये कंजर्वेशन रिवाइवल और इसका सस्टेनेबल यूज होगा। इसके लिए हम लिंकेजेस करते हैं, फील्ड विजिट, एक्सपोजर, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप और टेक्निकल सपोर्ट। इंडिविजुअल फार्मर, यहाँ पे बहुत अच्छे फार्मर है जिनके पास नॉलेज है लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, तो वो भी हम सपोर्ट महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाके में फार्मर को करते हैं। नेक्स्ट, अभी तक हमने कैरेक्टराइजेशन इवैल्यूएशन धान में 170 जाति का किया है, मिलेट में किया है, प्रोसो मिलेट, फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट में किया है, 450 जाति आज तक कंजर्व किया है, वो प्यूरीफाई अपग्रेड किया है, उसमें अराउंड 724 फार्मर आज इसमें इन्वॉल्व है जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ से सीड एक्सचेंज होके तो बाकी के जिले में भी जहाँ पे सिमिलर सिचुएशन है, क्लाइमेटिक सिचुएशन है, वहाँ पे भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है। कम्युनिटी लेवल सीड प्रोडक्शन शुरू हुआ है, 4200 फार्मर तक हम एग्जीबिशन मेला से पहुंच गए। स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हमने लिया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट आते हैं ये सब सीखने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ का यहाँ पे यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर पूना यूनिवर्सिटी के सर है, तो जहाँ पे हमने इसका न्यूट्रिशनल कैरेक्टराइजेशन भी किया, क्योंकि लोगों के पास ज्ञान है और वो सालों से यूज कर रहे हैं कि फ्रैक्चर रिकवरी के लिए ये राइस खाना, वीकनेस के लिए ये राइस खाया तो अच्छा है, तो वो वैलिडेशन ऑफ लोकल नॉलेज वो भी हमने किया है। इसलिए इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल फार्मर सबका सपोर्ट होना इसमें जरूरी है, वो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे हमने डेटाबेस हमने बनाया अन्न सुरक्षा के लिए, अर्ली आने वाले सिर्फ जमीन में मॉइस्चर पैदा मॉइस्चर ही हो तो कौन से जाते आएंगे, फॉर्डर जिनका फॉर्डर भी अच्छा है, फूड भी अच्छा है, मेडिसिनल वैल्यूज उसमें है, ऐसे भी जाति प्रजाति है धान में, डीप वाटर अधिक पानी में आने वाली, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज में हमने उसका सिलेक्शन और अपग्रेडेशन किया है। नेक्स्ट, यदि हम धान की डाइवर्सिटी दे, पहला जो फोटो है वो 65 डेज में हार्वेस्ट होता है, जो दुला जिसको अप्रू बचत भी बोला जाता है, जब घर में धान नहीं होता है कुछ जून जुलाई अगस्त महीने में, क्योंकि अर्ली वैरायटी कोई होता नहीं था, ये एक दो ही वैरायटी है जो पीरे अर्ली, तो लोग जाते हैं खेत में उसका पेनिकल निकलते हैं, उसको पोहा बनाते हैं, तो यानी उसका उसके पीछे विजडम कितना, यील्ड यहाँ पे बड़ा क्राइटेरिया नहीं है दूल्हा और हरी वैरायटी के लिए, लेकिन फूड सिक्योरिटी। उसके बाद हम यदि देखेंगे कस्पई टेक्नोलॉजी बोलता है लोकल वैरायटी को टिलरिंग नहीं आता, 6500 टिलर्स पर प्लांट आ सकते हैं इंडिजिनियस रिसोर्स को कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में बदल करके। लाला नाम का वैरायटी आपको दिख रहा है जो ड्रॉट भी हो गया तो भी वो खाने के लिए अनाज देता है। नेक्स्ट, वैसे डीप वाटर जो क्लाइमेट चेंज और इसके लिए जो जीएम इंट्रोड्यूस हो रहा है, अभी यदि फोटोग्राफ देखे वो पानी का फोटो, तो ऐसे वैरायटी आज भी अपने पास है। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनली रिच जिसका कैरेक्टराइजेशन इवैल्यूएशन भी हमने किया है। नेक्स्ट, मिलेट में भी ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस है जिसके ऊपर काम शुरू है। नेक्स्ट, मेज में कैरेक्टराइजेशन इवैल्यूएशन करके अभी सीड प्रोडक्शन स्टेज पे तीन लैंड रिसोर्सेस आ गए। सोरगम में भी अच्छे फॉर्डर और ग्रेन क्वालिटी के है आज भी। नेक्स्ट,
किचन गार्डन के माध्यम से हम वेजिटेबल का रिसोर्स कंजर्व करेंगे। नेक्स्ट, ब्रिंजल के बारे में तो आपने सुना है, दो बीटी के बारे में, लेकिन आज भी अपने पास वो ओरिजिन्स है। नेक्स्ट, जो सर ने बोला कि प्लांट जीनोम अवार्ड जो एक नेशनल रिकॉग्निशन होता है, वो दो फार्मर को इंडिविजुअल रिकॉग्निशन मिला है और हमारा पूरा कम्युनिटी ग्रुप को 10 लाख का नेशनल अवार्ड मिला है। तो बात इसमें यह है, एक मोटिवेशन है पूरा टीम के लिए, पूरा महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम वो डिक्लेयर हुआ है। तो ये ऊपर के दो फार्मर्स है, उन्होंने खुद का वैरायटी बाय सिलेक्शन में, जैसे दादाजी को ब्रड डीजे ने HMT निकाला, वैसे ही हमारे दो फार्मर ने बाय सिलेक्शन मेथड 5 साल का एफर्ट लेके वो सिलेक्शन जो हाइब्रिड के तुलना में उत्पादन और रेजिस्टेंसी और वो सब क्राइटेरिया में फिट हुआ है और वो वैरायटी के आ गए। नेक्स्ट, इसमें लर्निंग्स हमारे हैं कि फार्मर चाहते हैं ये सब कंजर्व करना, उनको साथ में लेके यदि हम काम करेंगे तो डेफिनेटली कंजर्व होगा। उनके व्यूज और आइडियाज रिलेटेड टू पार्टिसिपेटरी सिलेक्शन, वैरायटी ऑफ सीड सिलेक्शन, वो ध्यान में देना बहुत जरूरी है। मेलाज एग्जीबिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे हम अधिक लोगों के पास, कंज्यूमर के पास, साइंटिस्ट के पास और आम जनता के पास पहुंच सकते हैं, वो होना बहुत जरूरी है, जो आज टेक फॉर सेवा के माध्यम से हो रहा है। आगे जाके ये एफर्ट गांव-गांव में, विलेजेस में, तालुका प्लेस में होना बहुत जरूरी है। फॉर्डर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स ऐसे जगह जगह पे जैसे हमने किए हैं, वो होना जरूरी है, जिससे अधिक लोगों के पास पहुंचेगा। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी, ये पूरा वर्क सस्टेन होने के लिए हमें वो भी मैकेनिज्म तैयार किया है, क्योंकि आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से निकल गया तो इसको कंजर्व कौन करेगा, तो उसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम से हमने पूरा पैटर्न बना दिया है। अपग्रेडेशन प्यूरिफिकेशन का, सीड प्रोडक्शन वर्दी लैंड रेसेस का होगा, मार्केटिंग ऑफ सीड एंड ग्रेन्स वो कम्युनिटी सीड बैंक के थ्रू होगा, वो आज भी हो रहा है। नेक्स्ट, तो वे हेड, आगे जाके हम ये सोच रहे हैं कि नेटवर्क बनाए कम्युनिटी सीड बैंक का, मे बी फॉर्मल इनफॉर्मल नेटवर्क, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना बहुत जरूरी है। मैत्रे सर, सुबह सर ने बोला कि रजिस्ट्रेशन के बारे में, वो भी काम हमने अभी शुरू किया है कि आगे जाके ये रिसोर्स किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का है, वो इंडिविजुअल फार्मर का है, क्या कोई साइंटिस्ट का है, लेकिन तो हम ये कर रहे हैं कि वी आर द गार्डियंस फॉर दिस डाइवर्सिटी, तो ये रजिस्ट्रेशन फार्मर के नाम के नाम पे ही हो, इसके लिए हम बहुत आग्रही है, तो वो हम काम कर रहे हैं। फ्यूचर इसमें केमिकल और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हम स्टडी करना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ये सब जो भी हमारे पास आज भी रिसोर्सेस है वो कंजर्व होने के लिए इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, इसीलिए इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट का सपोर्ट होना जरूरी है, वो लेना लेके तो वो हो जाएगा। इन सीटू कंजर्वेशन साथ कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन अपग्रेडेशन होना जरूरी है, जिससे वैरायटी लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। कैरेक्टराइजेशन का काम है, पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म तैयार करना, मार्केट स्ट्रेटेजीज इसमें होना जरूरी है, न्यूट्रिशनली रिच जो है डाइवर्सिटी वो वही माध्यम से समाज के सामने आए जिसको मार्केट वैल्यू भी अच्छा मिले और लोगों को खाने के लिए भी अच्छा चीज़ मिले, जिसको फार्मर के लिए वो एक कंजर्व, ये वैरायटी भी कंजर्व होगा, दूसरा फार्मर के लिए लाइवलीहुड जनरेशन का भी साधन होगा, और तीसरा लोग कंज्यूमर का भी ये होगा, और प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन। थैंक यू।